हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB 40A के साथ। आज हम इस वीडियो में टॉपिक लेकर के चलेंगे जीके का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आप DSSB का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, PRT का दे, TGT का दे या PGT का दे या फिर कोई अदर एग्ज़ाम दे, इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो ये कॉमन पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके ही जाएं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। हमें बताना है कि न्यायिक समीक्षा कब कहाँ शुरू हुई थी, तो वो शुरू हुई थी USA में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश्ड इन July 1946। इसमें है कि July 1946 में जो संविधान सभा थी उसका कौन एक मेंबर नहीं था इन चार ऑप्शन में से, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सी कंट्री है जिसमें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो वो है स्विट्जरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। हमें बताना है कि कौन सा एक फीचर है जो कि भारतीय संघ का भी है और अमेरिकन संघ का भी है, तो वो है अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पेनल कोड केम इन टू ऑपरेशन इन। दंड संहिता कब आई थी, वो आई थी 1862 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन। हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था। आई होप इसका तो आंसर आप सभी को पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब हमें बताना है संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान में, तो वो हैं 395 आर्टिकल्स। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा है उसके प्रेजिडेंट कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। हमें बताना है संविधान का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था ब्रिटेन से। पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज। लोग बदल सकते हैं लेकिन जो नियम है वो नहीं बदलने चाहिए, ये सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच। हमें बताना है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसके अंदर क्या है, पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी को बनाने में और एडमिनिस्ट्रेशन में। वॉट इज मीन्ट वैन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। हमें बताना है कि संविधान क्या बताता है अगर वो सेक्युलर स्टेट बताता है भारत को, तो उसका मतलब क्या होगा। द स्टेट रिगार्ड रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। मतलब वो लोगों को उनके रिलीजन के हिसाब से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, उनको अलग अलग नहीं मानता। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें बताना है जो संविधानिक सभा है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वैन वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड। हमें बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडोप्ट किया गया था, तो वो अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमें बताना है भारतीय संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल, मतलब अर्ध संघीय है वो, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। हमें बताना है कि भारत का नया बंधन का नया चार्टर किसने डिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1935 में, तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर ए।
द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, जो कानून का नियम है, ये जो कंसेप्ट है ये स्पेशल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का। ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। द फ्रेज इक्वेलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब जो है समान है, ये आर्टिकल नंबर 14 में है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेम्बर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताना है कि कौन एक मेंबर नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडेप्टेड फ्रॉम, जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसका आइडिया कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है यूके से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वॉज डन, हमें बताना है कि क्षेत्रीय विभाजन जो है वो कब किया गया था, कौन से एक्ट में किया गया था? वो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेजिडेंट्स पोस्ट, वो क्या अलाउ करता है? री इलेक्शन को प्रेजिडेंट पोस्ट के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन, हमें बताना है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। वॉज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक वैन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इसमें बताना है कि जो एग्जैक्ट पोजिशन थी 26 जनवरी 1950 से पहले भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बतानी हमें, तो वो थी ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। विच ऑफ दीज इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं जुड़ा है, तो वो है राइट टू इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, मतलब समान काम के लिए समान पैसे मिले। द क्लर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, हमें बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में, 42वें संशोधन में। ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, हमें बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर 1976 में 42वें संशोधन में प्रस्तावना के अंदर कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया था, तो वो था डिग्निटी, मतलब गौरव। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटेड बाय इट थ्रू, हमें बताना है संविधान, संवैधानिक अधिकार जो हैं भारत के वो गारंटी किए गए हैं किसके द्वारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार के अधिकार के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्यूमरेटेड एज अ राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में एक राइट नहीं है, तो वो है इकोनॉमिक राइट नहीं है, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट भी है, एजुकेशनल राइट भी है और राइट टू रिलीजन भी है। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो है 11, ऑप्शन नंबर सी। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ राइट ऑफ हैबीज कॉर्पस इज वेस्टेड इन, हमें बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण किसमें निहित है? अ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग अ क्वासी जुडिशियल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी, सुप्रीम कोर्ट कौन से रिट जारी करता है अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए, तो वो करता है मैंडेमस, मतलब परमादेश, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताने कौन सा एक एक्सप्रेशन है जो कि भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में नहीं है, तो वो है फेडरल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हमें बताना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने रिट्स इशू की जा सकती हैं, तो वो है 5। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वो है 11, ऑप्शन नंबर ए।
विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमें बताना है कि फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक कौन है, तो वो है जुडिशरी, ऑप्शन नंबर डी। द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो वो है एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू, हमें बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आज का हमारा आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको हार्ट एंड सोल कहा गया है संविधान का, तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।